हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो आज ही 12 नवंबर को जोसा ने रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट कर दिया है। तो इसके आने से आईआईटी सीट वालों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनका एनआईटी प्लस सिस्टम का सीट था वो लोग कंफ्यूजन में चले गए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल है और ये जो पुराना शेड्यूल है उसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर तुम लोग पुराना शेड्यूल देखोगे और नया शेड्यूल देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मुझे सिर्फ एक ही डिफरेंस नजर आया, वो ये कि राउंड 6 का जो सीट अलॉटमेंट था वो नवंबर 18 को होने वाला था और उसका जो रिपोर्टिंग था ऑनलाइन रिपोर्टिंग वो 19 नवंबर को होने वाला था। अगर तुम नए वाले शेड्यूल में देखोगे जो अपडेटेड वन है, उसमें राउंड 6 का जो सीट अलोकेशन है वो तो 18 नवंबर को है ही, लेकिन इसका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो 18 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए 2 दिन मिलेगा, 18 नवंबर एंड 19 नवंबर। पुराने वाले में सिर्फ 1 दिन मिला था ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए, वो था 19 नवंबर। तो नए वाले में तुम लोग को 2 दिन का टाइम मिल रहा है एंड बाकी सब कुछ सेम ही है। अगर तुम लोग नए वाले शेड्यूल में ये चीज देखोगे एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए 28 से 24 नवंबर, तो उन्होंने ये पार्ट चेंज नहीं किया है। तो ये पोर्शन देखते ही अब तुम लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहा होगा। पहला ये कि जो पार्शियल एडमिशन फी पे करना है 20th से 24th नवंबर के बीच, वो पे करना है कि नहीं है। तो क्या हमें 20th से 24th नवंबर के बीच एनआईटी में जाके फिजिकली या ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है? जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्शियल एडमिशन फी पे करना है कि नहीं करना है, तो जी हाँ, ये पे करना है, ये मैंडेटरी है। मैंने एनआईटी जयपुर को कॉल किया था अभी कुछ देर पहले, उन्होंने कंफर्म किया है कि 20th से 24th नवंबर के बीच जो पार्शियल एडमिशन फी पे करना था जोसा पोर्टल में, वो पे करना है, मैंडेटरी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th से 24th नवंबर के बीच क्या हमें अलोकेटेड एनआईटी प्लस सिस्टम में जाके फिजिकल या ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है? तो इसके बारे में भी एनआईटी जयपुर ने कंफर्म किया है कि एनआईटी प्लस सिस्टम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपने अलोकेटेड कॉलेज में फिजिकली या ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करनी है। सेफ साइड के लिए आई वुड से कि तुम लोग अपने एनआईटी प्लस सिस्टम वाले जो भी लोग हो, वो लोग अपने वेबसाइट में, अलोकेटेड कॉलेज के वेबसाइट में चेक करते रहना नोटिफिकेशन के बारे में, मे बी वो लोग कुछ नोटिफिकेशन निकाल देना। लेकिन अगर तुम लोग रीअश्योर होना चाहते हो तो तुम लोग अपने अलॉटेड कॉलेज को कॉल करके पूछ सकते हो कि 20th से 24th नवंबर के बीच फिजिकल या ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी है। उनका भी ना ही आंसर होगा, फिर भी तुम लोग अपने कंफर्मेशन के लिए पूछ सकते हो कॉल करके। तो होपफुली तुम लोग का डाउट क्लियर हो गया है। तो कंक्लूजन ये है कि जो पार्शियल एडमिशन फी है वो पे करना है जोसा पोर्टल में 20th से 24th नवंबर के बीच, और जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग या फिजिकल रिपोर्टिंग अलॉटेड कॉलेज में होने वाली है 20th से 24th नवंबर के बीच, वो नहीं होगी एज पर एनआईटी जयपुर। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना, सो दैट उनके भी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।